हेलो एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश कोर्स डे फोर डे फोर में आप सबका वेलकम है आई होप आपने डे वन डे टू और डे थ्री को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया है बिकॉज मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सब कुछ हमें आता है वी जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन इट ठीक है तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ ताकि जब आप बार बार इसको सुनोगे तो यू विल गेन फेथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको वो चीज आती है यू आर जस्ट रिवाइजिंग इट ओके हम ऊपर से जो एक पॉलिश कर दिया ना आप लोगों ने कि हमें आती नहीं है इंग्लिश हमें समझ में नहीं आता या जिस तरह का भी एक फ़ियर फैक्टर को हमने उसके ऊपर लगा दिया तो उसको बस मिटाने के लिए हम रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन आई एम सींग अगेन एंड अगेन सो डैट आपको ये अच्छे से पता लग जाए डेट यू नो एवरीथिंग आपको सब कुछ आता है वी आर जस्ट पॉलिशिंग इट वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट ओके सो वी आर जस्ट शेयरिंग द वाइट बोर्ड वाइट बोर्ड एंड लेट स्टार्ट डे फोर ठीक है नी तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको आप डे फोर में एंटर कर चुके हो यू आर गोइंग क्लोजर डे बाई डे ठीक है ना हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं डे बाय हम समझ रहे हैं किस तरह से हम इंग्लिश को सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज समझ के अच्छे से बोल सकते हैं लिख सकते हैं उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा वो की जो है जो कॉन्फिडेंस वाला ताला है उसकी की कौन सी है डैट इज करेक्ट डेट यू हैव यू हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वेन यू विल नो दैट दिस इज द की एंड वॉट इज द की इज योर करेक्ट योर यू नो

टेस्ट okay. कर रही थी ओके तो डे फोर में हमने अभी तक समझ लिया कि कितने टाइप्स होते हैं ठीक है हमने लास्ट टाइम भी डे थ्री में एक क्विक रीजन किया था तो आज हम आगे बढ़ेंगे डे फोर में हम अभी क्या करेंगे कि हमें समझ में आना चाहिए डे फोर में हम ये समझेंगे बेसिक से बेसिक को ही कंप्लीट करेंगे कि जब लाइन स्टार्ट होती है ना उसमें एक सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट मतलब हिंदी में करता ठीक है काम को करने वाला करता ठीक है ऑब्जेक्ट भी हमें पता है जो बिल्कुल खत्म हो गया जिसका ऑब्जेक्ट ठीक है जिसका काम खत्म हो गया लास्ट में जो आता है वो हम सबको पता है खत्म ठीक है खत्म कार्य खत्म जो कार्यों को करने वाला होता है वो हमारा खत्म ठीक है फिर एक होता है वह वर्ब मतलब कार्य ये कार्यों को करने वाला ये जो कार्य होता है या खत्म को बताता है ठीक है और वर्ब है कार्य मतलब क्रिया जो हो रहा है जो काम हमें बताया जाता है जैसे वो भाग रहा है तो वहां पे भागना का क्या है लिखते हैं यहाँ पे पहला कौन सा टेंस लिया था मुझे याद नहीं फॉरगेट मैं खाना खाता हूं ठीक है ना ओके यहां पे मैं क्या है जो काम को कर रहा है मतलब कार्य करने वाला मीन्स सब्जेक्ट ठीक है खाना क्या कौन सा काम हो रहा है खत्म कौन सा काम हो रहा है ऑब्जेक्ट खाना है ना खाना खत्म हो रहा है और खाया क्या जा रहा है सॉरी वो तो नहीं बताया क्या खाया जा रहा है खाता तो खाता क्या है कार्य हो रहा है क्रिया हो रही है तो वो क्या है हमारा वर्ग. तो ये जो हमारे होता है ना सोव, ये हमारा होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब तो इसको हमने यूज कैसे करना है अब इस चीज को आप जब समझे तो सब्जेक्ट बहुत तरह के होते हैं हम अभी सब्जेक्ट को समझेंगे सब सब्जेक्ट आपका होता है आई ठीक है अलग अलग लिखती हूँ ही ही का क्या बन जाता है शी है ना ही मतलब लड़का बॉय मेल एनर्जी एंड शी फीमेल एनर्जी feminine girl गर्ल ठीक है तो अगर ये दोनों एक साथ आ जाए मेल और फीमेल या मेल का ही ग्रुप आ जाए फीमेल्स का ग्रुप आ जाए या दोनों एक साथ आ जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं दे क्योंकि वो साथ में आ गए वो ज्यादा लोग हो गए जब एक से ज्यादा हो गए तो उनकी आइडेंटिफिकेशन एज अ दे हो जाएगी ठीक है और कौन सा होता है आए तो मेरे लिए यूज हो गया ना जैसे मैं हूं मैं खाना खाता हूं ऊपर है तो अगर मैं यहाँ पे बोलू हम खाना खाते हैं तो ज्यादा लोग हो गए और ये भी नहीं पता उसमें मेल कौन है फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं वो कौन से हम है।, है ना हमें हम नहीं पता कि वो कौन से हम की बात कर रहे हैं एक्चुअल में तो जब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से हम की बात कर रहे हैं तो वहां सॉरी एक्चुअली माई हैंड्स आर स्वेटिंग तो वो आ जाता है वी कुछ लोग इसको ना वही बोलते हैं वो ही नहीं होता वो रॉन्ग प्रनाउंसेशन है हम आगे बढ़ेंगे जब तो हम प्रनाउंसिएशन भी सीखेंगे तो it's called okay? W का जो साउंड होता है वो होता है वो तो आई एंड वी ये हो गया ज्यादा लोग आ गए सेम कैटेगरी के, के होते हैं जब हम की बात होती है यहाँ पे मैं की बात हो रही है फिर हम की बात हो रही है फिर वह की बात हो रही है ठीक है इसको लिख देती हूँ एक बार हिंदी में आई का मतलब मैं वी का मतलब हम ही का मतलब वह वह में लड़का ठीक है फिर शी में भी वह बट लड़की एंड दे मीन्स वे मतलब दोनों जेंडर ठीक है या फिर दोनों में से कोई एक भी बट ग्रुप में दोनों जेंडर और इन ग्रुप दोनों का अलग अलग अपना ग्रुप भी हो सकता है ठीक है इसके अलावा ये तो हो गया ह्यूमंस के लिए जो लिविंग थिंग्स के लिए ठीक है लिविंग चीजें हम समझते हैं जो जागृत हैं जो जिंदा है लाइक ह्यूमंस एनिमल्स एनिमल्स में भी देखो जेंडर आता है है ना तो एनिमल्स में भी हम प्लांट्स में भी वैसे जेंडर आता है बट स्टिल हम उनको कैसे रिकोगनाइज करते हैं इट नॉन लिविंग के लिए अब हम करेंगे इट ठीक है जो नॉन लिविंग थिंग्स ए लेक् टेबल लैपटॉप दिस इज माई टेबल इट इज माई टेबल हा तो ये इट दिस ये इसके लिए ये भी हमारे क्या है सब्जेक्ट दिस ऑल्सो कम्स अंडर सब्जेक्ट तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेन यू आर यूजिंग द सब्जेक्ट कुछ लोग मी यूज कर देते हैं है ना हिम यूज कर देते हैं नहीं कई बार समझ में आता तो इसीलिए सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर समझे बोलो तो कार्य करने वाला ठीक है कार्य करने वाला इज कॉल्ड सब्जेक्ट ठीक है इसको अगर हम सब्जेक्ट की हिंदी देखेंगे तो सब्जेक्ट की हिंदी जो होती है वो करता ठीक है इसकी हिंदी सब्जेक्ट की करता करता मीन्स कार्य करने वाला तो ये इसका मीनिंग है एक छोटा सा डेफिनेशन है कि उसको हम कैसे बोलते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अब वर्क को समझते हैं Okay, so now we will understand about verb. बहुत सारी verbs होती hain you may need to learn अगर आपको इतनी उसके बारे में knowledge नहीं है तो verb को जब हम समझेंगे तो verb means किरिया किरिया मतलब मीनिंग जो आ जाएगा जो या जिस काम को किया जा रहा है या बात हो रही है जो या जिस काम को किया जा रहा है जा रहा है या काम हो चुका है वो कुछ भी हो सकता है मीन्स काम इसको आ जाएगा हमारा वर्क जो काम हो रहा है जो या जिस काम को किया जा रहा है या किया जाता है या हो चुका है ठीक है ना तो इट्स ऑल अबाउट क्रिया की क्या क्रिया क्या और जैसे मैं भाग रहा हूं तो भागना यहाँ पे क्रिया है मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाना जो खाना वर्ड है वो कह है एग्जाम्पल्स उसकी ठीक है तो वर्ब्स को हम ज्यादा नहीं सम मैं आपको बता नहीं पाऊंगी जैसे सब्जेक्ट में मैंने बताया कि आई वी दे ही शी तो ये सारे आपको समझाए लेकिन वर्ब्स बहुत है देर आर ऑफ वर्ब्स सो यू जस्ट नीड टू तो ये मेमोराइजिंग वर्क है ये आपको याद करने वाला वर्क है अगर आपको इतना वोकेब्लरी अब वर्ब से ही वर्ड बन गया वोकेब्लरी तो वोकेब्लरी को थोड़ा सा एडवांस और मॉडर्न कैसे कर दिया कि जो वर्ब वर्क होता है ना जैसे आ, मुझे आपकी जरूरत है तो आई नीड यू ये इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा I need you. तो जो नीड वर्ड है ना वो कहीं कहीं पे उसके आगे या पीछे for, to, it, ऐसी चीजें आती हैं. तो वो जो चीज के आगे आती है ना उसके साथ लिख देता है लिखा हो जाता है उसको उस तरह से बताया जाता है जैसे नीड टू अगर उसके साथ प्रेपोजिशन लग गया टू जो है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे तो जब उसके साथ टू लग गया टू लगने से नीड टू जो वर्ड है वो पूरा वोकैबुलरी बन गया मतलब उसके साथ आपने प्रशन को जोड़ दिया उसको वैकेबुलरी पूरा बता दिया कि यहाँ पे ये यह आएगा तो आपने क्या करना वोकैबुलरी पता है किसके साथ टू तो ही लगता है ये हिंदी है और उसके साथ है ऐसी इसकी इंग्लिश है ट्रांसलेशन है तो सब्जेक्ट लगाया वैकेबलरी लगाया और आपका ऑब्जेक्ट लगा और टेंस डन तो वर्ब जो है वो वर्ब ही है मतलब क्रिया ही है उसको याद करना पड़ेगा दो तरह की होती है एक होती है रेगुलर एरो कुत्ती है एर सॉरी बियर विथ माय हैंड राइटिंग एर ठीक है रेगुलर और इर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि जो रेगुलर होती है ना वो कैसे होती है एग्री इसका बन जाता है एग्रीड एंड एग्रीड वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो थ्री प्रकार की होती है थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स ओके थ्री टाइप्स की होती है प्रेजेंट फिर पास्ट बन जाता है फिर हमारा पास्ट परफेक्ट में वो आ जाता है लिख तो इसको मैं प्रेजेंट फिर पास्ट में फिर ये पास्ट परफेक्ट आपका बन जाता है ओके सो दिस इज एग्री मतलब प्रेजेंट है फिर ये पीपी -पी ही आता है ये पास्ट हो जाता है और ये पास्ट परफेक्ट में हमारा बन जाता है इरेगुलर होती है लाइक गो वेंट एंड गॉन ठीक है तो ये देखो तीनों डिफरेंट है कई बार होता है कि यहाँ पे दो सेम भी आती है ठीक है जैसे आ, बिड़ का बिड़ की दो तरह से बनती है बिड बेड एंड बेड तो ये देखो ये दोनों सेम आ गई बट इट डिफरेंट है ईडी नहीं लगा हुआ है लास्ट में तो दिस इज इेगुलर तो वर्ब्स हमारी इस तरह की होती है ये जो है इट्स इजी टू मेमोराइज रेगुलर वाली को याद करना ईजी होता है बट रेगुलर को याद करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए याद सब कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है हम सब का जो दिमाग है ना वो बहुत पावरफुल है सब कुछ दिमाग से ही हो रहा है हम कुछ भी नहीं ऐसा के बिना दिमाग के करें अगर दिमाग जब काम करना नहीं करता दिमाग जब काम करना बंद कर देता है जब दिमाग काम नहीं करता तो वो डॉक्टर सेंट हम मरते नहीं है, है ना तो हम मरते नहीं है वॉट हैपन जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है दिमाग हमारा काम नहीं करता है तो वॉट हैपन अगेन रॉन्ग हम पागल नहीं होते हैं ठीक है <laughs> हम पागल नहीं होते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तब क्या होता है तब हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हम कोमा में जा चुके हैं ठीक है तो हमारा तब तो ब्रेन जो है वो बॉडी को सिग्नल पास नहीं करता जब वो बॉडी को सिग्नल पास नहीं करता ये तो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है बहुत फास्ट मतलब ऑफ जो मैं ना नैनो में ये जो चीज है ना वो हो रही है और करते 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 ना ब्रेन इतना हैपचुअल हो जाता है धीरे धीरे जैसे बचपन में हमारी मोटर स्किल्स फाइन स्किल्स डेवलप नहीं होती है ना वी डोंट नो हाउ टू होल्ड अ पेन और पेंसिल और स्पून बेबी कांट पहले बेबीज को कैसे कैसे ग्रिप लेके आते कि वो टॉयज के साथ खेलते क्योंकि वो उसको करते हैं उसको अच्छे लगते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टॉयज सॉफ्ट टॉयज या दूसरे टॉयज को टच करता है होल्ड करता है तो कैसे फर्स्ट टाइम में वो गिर जाते हैं क्योंकि उनकी मोटर स्किल्स नहीं है ब्रेन वो सिग्नल पास नहीं कर रहा उनकी विलिंगनेस है बट वो सिग्नल पास उसको प्रॉपर नहीं कर रहा कि वो उसको होल्ड कर पाए तो धीरे धीरे ग्रिप बनता है क्योंकि वो को को कर रहा है, को जा रहा है। है ब्रेन सिग्नल जा वांट टू लिफ्ट द वेट पर्सन वांट टू पिक इट विद फिंगर और विद फुल हैंड नो सो वो धीरे धीरे पूरी मोमेंट पूरी चीज हमारी बॉडी में चैनलाइज होती है एनर्जी फ्लो होती है और तब हमारा जो दिमाग है वो उस चीज को समझ आता है कि इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है है कैसे बोलते हम कि कि इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है? कि ये हमेशा हाथ हिला ला के बात करता है या फिर ये पर्सन बहुत मूवमेंट करता है फेस को बहुत इधर उधर करता है कुछ वैसे तो वो बॉडी को ऑटो सिग्नल पहुंच चुका है और ये चीजों ऑटो मोड पे फिर होनी शुरू हो जाती है बिकॉज बॉडी कॉन्टिन्यूसली वे में केमिकल को रिलीज करती है हमारी बॉडी में हर वक्त हर समय कुछ केमिकल्स बन रहे हैं कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो जब वो केमिकल्स को रिलीज करता है ना तब वो एक्शन फॉर्म करता है तो आई होप दिस नॉलेज इज वर्किंग वेल फॉर यू गुड लक आप अगर इस वीडियो को देखो और इसको रिलेट करो समझ पाओ अगर इसको समझ सकते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थम्स एप जरूर शो करना गॉड ब्लेस यू सी यू इन नेक्स्ट सेशन